तो अभी हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, IPR। शॉर्ट फॉर्म क्या है इसका? IPR, और इसको कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स। तो ये क्या होते हैं? इंटेलेक्चुअल मीन्स बौद्धिक संपदा, राइट मीन्स आपका अधिकार। किस पे? तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, आपके बौद्धिक संपदा। बौद्धिक संपदा मीन्स क्या होता है? एक तो होता है कि आपके ब्रेन के द्वारा जो कुछ न्यू, कोई भी नया चीज आपके ब्रेन के, आप यदि कोई नया चीज खोजेंगे तो स्वाभाविक है आप अपने माइंड का एप्लीकेशन करके, ब्रेन का एप्लीकेशन करके, तो इसलिए कोई भी डिस्कवरी या क्या कहते हैं इन्वेंशन ऑफ न्यू थिंग्स बाय अप्लाइंग द ब्रेन, तो वो आपने ब्रेन अपना अप्लाई किया, आपने सर्च किया, तो यानी वो आपकी प्रॉपर्टी हुई। ठीक है, तो उस पे आपका अधिकार पहले होना चाहिए। तो वो जो अधिकार मिलता है आपको गवर्नमेंट के द्वारा, उसी को कहते हैं इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट। ठीक है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी मीन्स बौद्धिक संपदा का अधिकार। ठीक है, सो इट इज द एक्सक्लूसिव राइट राइट ग्रांटेड टू इन्वेंटर और क्रिएटर क्रिएटर बाय द गवर्नमेंट। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट है, इट इज द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड टू इन्वेंटर। ठीक है, जो जिसने इन्वेंट किया या क्रिएट किया, जो डिस्कवर किए, उनको मिलता है बाय द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के द्वारा। ठीक है, और पर्पस क्या है? टू प्रोटेक्ट दियर इन्वेंशन बाय द गवर्नमेंट, टू प्रोटेक्ट डियर इन्वेंशन और क्रिएशन फ्रॉम अदर्स अदर्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, ये जो अधिकार मिलते हैं, आपने सपोज आपने किसी चीज, नए चीज को क्रिएट किया या इन्वेंट किया, दोनों। देखिए, इन्वेंशन हुआ कि हमने कोई चीज, नया चीज जो है उसको खोज निकाला, क्रिएशन हुआ कि आपकी कोई नया रचना है, ठीक है, कोई स्लोगन है, ठीक है, तो कुछ आपने क्रिएट, या कोई पेंटिंग है या कोई म्यूजिक आपने डेवलप किया है। ठीक है, तो जो भी इन्वेंशन हो या क्रिएशन हो, वो यदि आपके ब्रेन की उपज है, उसी को हम इंटेलेक्चुअल, वो आपकी प्रॉपर्टी हो गई। तो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी है, उस पे जो है वो हमारे, हम जिस देश में है, हमारी गवर्नमेंट उस पे हमको राइट देता है कि हमारे प्रोडक्ट को बिना हमारे अनुमति से दूसरा यूज ना करे। ठीक है, सो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज द राइट दैट प्रोटेक्ट द, हम सिंपल सेंस में कह सकते हैं, इट इज द राइट राइट दैट प्रोटेक्ट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। सिंपल सेंस में कह सकते हैं कि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इज द राइट दैट प्रोटेक्ट इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी। व्हाट इज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी? सो ए प्रॉपर्टी
दैट अराइजेज, ए प्रॉपर्टी दैट अराइजेज फ्रॉम ह्यूमन इंटेलेक्ट, इंटेलेक्ट कह सकते हैं, दैट इज इट इज ए क्रिएशन ऑफ माइंड ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज ए क्रिएशन ऑफ माइंड ऑफ एन, आपके ब्रेन की उपज है ये प्रॉपर्टी जो है, यो आपके ब्रेन की उपज है, इसलिए इसको इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहते हैं। और ये राइट आपको आपके सोच को प्रोटेक्ट करती है कि इसको दूसरा यूज ना कर पाए। क्लियर हो गया ना? सो दिस इज द क्रिएशन ऑफ द माइंड। इन द मोस्ट कॉमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी में इट मेनली कवर्स थ्री मोस्ट कॉमन इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी जो है, ये राइट जो मिलता है हमको, एक थ्री टाइप्स का, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। ट्रेडमार्क, पेटेंट, कॉपीराइट एंड ट्रेडमार्क। तो पेटेंट क्या होते हैं? पेटेंट दिए जाते हैं फॉर इन्वेंशन के लिए, इन्वेंशन के लिए कोई भी चीज आपने, लेकिन ये इन्वेंशन जो है इट मस्ट बी न्यू होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद नॉन ओबियस होना चाहिए, नॉन ओबियस होना चाहिए एंड यूज यूजेबल होना चाहिए, और इंडस्ट्रियली इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। तो ये मिलता है पेटेंट, आपको मिलता है इन्वेंशन के लिए, न्यू इन्वेंशन के लिए। कंडीशन क्या है कि आपका इन्वेंशन जो है सो न्यू होना चाहिए, नॉन ऑब्वियस होना चाहिए एंड यूजेबल होना चाहिए, मोरली एंड क्या कहते हैं सोशली, ये यूजेबल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कुछ सोच लिए उसका यूज है ही नहीं, इन्वेंट कर लिए यूज है, तो यूजेबल होना चाहिए और इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए, ठीक है। एप्लीकेबल मीन्स उसका एप्लीकेशन होना चाहिए, ठीक है। तो उस चीज के लिए आपको पेटेंट मिलता है, और पेटेंट जो मिलता है ये एक लिमिटेड पीरियड के लिए मिलता है, ठीक है। तो ये आपको सामान्यतः यूजुअली यूजुअली फॉर 20 ईयर्स के लिए मिलता है, फ्रॉम फिलिंग डेट, फिलिंग डेट। तो आपने यदि कोई न्यू थिंग इन्वेंट किया है तो आपको पहले एप्लीकेशन फाइल करना होगा, और जिस डेट में आपने उस चीज के लिए एप्लीकेशन, पेटेंट के लिए एप्लीकेशन फाइल किया, उस डेट से 20 ईयर्स तक आपको उस पे पेटेंट मिलेगा, मींस वो आपकी राइट हो जाएगी, बिना आप उसको जैसे चाहें, मींस उसका सेल करें, यूज करें, मार्केटिंग करें, आप कर सकते हैं, बिना आपके परमिशन से दूसरा नहीं कर सकता है, ठीक है। हाँ, आप यदि परमिशन देंगे तब दूसरी कोई कंपनी या ऑर्गेनाइजेशन या आदमी उसको अधिकार मिल जाता है, यदि आप लाइसेंस देंगे तब, नहीं तो बिना आपके परमिशन से वो नहीं करेगा। यदि करता है इलीगल तरीके से, वो कॉपी करता है, चोरी करता है, तो आप उस पे क्या कहते हैं कंपनसेशन के लिए केस कर सकते हैं। तो ये राइट आपको इसमें मिलता है, ठीक है। तो पेटेंट का डिफिनेशन, पेटेंट है क्या? तो इट इज द एक्सक्लूसिव, इट इज द एक्सक्लूसिव राइट ग्रांटेड ग्रांटेड टू द
इन्वेंटर जिसने खोज किया उसको मिलता है बाय द गवर्नमेंट, बाय द गवर्नमेंट टू प्रोटेक्ट दियर इन्वेंशन फ्रॉम अदर्स फॉर ए लिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम। तो ध्यान दीजिएगा, पेटेंट क्या हुआ, इट इज एक्सक्लूसिव राइट, ये संपूर्ण अधिकार आपको मिलता है, जिसने इन्वेंट किया उनको मिलता है, ग्रांटेड टू द इन्वेंटर, इन्वेंटर को मिलता है किसके द्वारा, बाय द गवर्नमेंट के द्वारा, गवर्नमेंट के द्वारा मिलता है। क्यों मिलता है, टू प्रोटेक्ट दियर इन्वेंशन, उसके इन्वेंशन पे दूसरा कोई अधिकार ना जता सके, उसके प्रोडक्ट को दूसरा कोई मार्केटिंग ना कर सके, कोई दूसरा सेल ना कर सके, कोई दूसरा उस प्रोडक्ट से बेनिफिट ना कर सके, उसको रोकने के लिए इन्वेंटर को ये अधिकार मिल जाता है कि केवल आप ही उस प्रोडक्ट का सेल यूज मार्केटिंग कर सकते हैं, या आप किसी को लाइसेंस दे सकते हैं जो कर सकता है आपके लाइसेंस देने के बाद, ठीक है। और एक चीज यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि, और यहाँ मैंने लिखा फॉर ए लिमिटेड पीरियड, तो ऐसा नहीं होता है कि जिसने खोज किया उसका सदा के लिए अधिकार हो जाता है, वो आपको जिस डेट में एप्लीकेशन फाइल किया अपने इन्वेंशन के लिए, आप कोई भी इन्वेंशन करेंगे तो फाइल करना होगा, तो जिस डेट में आपने फाइल किया उस डेट से 20 ईयर्स तक केवल मिलता है। सो याद रखिएगा ऑब्जेक्टिव के लिए, इट इज यूजुअली फॉर द 20 ईयर्स फ्रॉम द डेट ऑफ फिलिंग, ठीक है, आप पहले कर लिया लेकिन फाइल ने क्यों से नहीं, जिस डेट में आपने फाइल फिल अप किया है उस डेट से 20 चाहिए। और क्या होना चाहिए क्राइटेरिया, तो याद रखेंगे क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, द इन्वेंशन मस्ट बी न्यू, नॉन ऑब्वियस एंड यूजेबल और इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, ठीक है। वैलिडिटी कितनी दिन की इसकी होती है, 20 ईयर्स की। तो ये सब ऑब्जेक्टिव के लिए याद रखेंगे। और ये ध्यान दीजिए क्या, हर एक कंट्री का अपना अपना पेटेंट होता है, कोई जरूरी नहीं है कि जो हम मतलब इंडिया में जो पेटेंट है वो दूसरे देश में भी लागू, तो वहां वो लागू नहीं होगा अपना। सो पेटेंट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर, ध्यान दीजिएगा एक पॉइंट ऑब्जेक्टिव में और रखिएगा कि पेटेंट्स आर टेरिटोरियल इन नेचर मीन्स पेटेंट जो है वो नॉट ग्लोबल नहीं होता है, ठीक है, मीन्स वैश्विक मीन्स ये पूरे विश्व स्तर पे नहीं आपका पेटेंट हो जाएगा, ये टेरिटोरियल है मीन्स प्रादेशिक, अपने देश में ये लागू होगा, ठीक है। हाँ, यदि आप दूसरे देश में भी करवाना चाहें तो उसके लिए आपको अलग से फाइल जो है एप्लीकेशन फिलअप करना होगा, लेकिन संपूर्ण विश्व में एक साथ लागू नहीं होता है, 2-3 देश में आप करवा सकते हैं लेकिन संपूर्ण जगह नहीं लागू होता है, ठीक है। तो इंडिया में करवाएंगे तो वो इंडिया में केवल पेटेंट आपको होगा, ठीक है। तो पेटेंट हम लोग जो है वो कोई भी न्यू डिवाइस, न्यू मशीन डेवलप किए, ठीक है, कोई आपको न्यू प्रोडक्ट डेवलप किए, तो इस सब के लिए हमको पेटेंट मिलता है। अब आ जाइए कॉपीराइट्स क्या होते हैं, तो कॉपीराइट जो मिलता है दिस इज ये प्रोटेक्ट करता है, दिस इज द राइट दैट प्रोटेक्ट द लिटरेरी एंड आर्टिस्टिक वर्क और एंड आर्टिस्टिक वर्क मीन्स साहित्यिक और आर्टिस्टिक वर्क के लिए ये यूज होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने कोई बुक लिखा तो उसकी कॉपीराइट आप करवा सकते हैं, ठीक है। आपने कोई नया म्यूजिक डेवलप किया
आर्टिस्टिक वर्क, ठीक है, आपने कोई नया पेंटिंग्स डेवलप किया, पेंटिंग्स डेवलप किया, तो उसका भी आप करवा सकते हैं, कॉपीराइट करवा सकते हैं, ठीक है। तो कोई म्यूजिक डेवलप किया, पेंटिंग्स डेवलप किया, उसके बाद आपको कहते हैं टीवी एंड रेडियो, रेडियो शो जो आते हैं तो उसका कॉपीराइट हो सकता है, कोई प्रोग्राम्स जो आते हैं उसका हो सकता है, आपने कोई क्या कहते हैं नया फिल्म, फिल्म का तो फिल्म का भी कॉपीराइट होता है। जैसे कि आपको यदि कोई आदमी चाहे कि हम इसका रीमेक बनाए, किसी पुराने फिल्म का रीमेक बनाना चाहता हो, तो उसको परमिशन लेना होगा पहले वाले से, ठीक है, तो उसका फिल्म का भी कॉपी राइट होता है। तो ये सब जो है लिटरे एंड आर्टिस्टिक, और कोई भी नोवेल उपन्यास है, ठीक है, तो वो सबका कॉपी राइट होता है। और इसकी वैलिडिटी, कॉपी राइट की वैलिडिटी जो होती है, इसकी वैलिडिटी ध्यान रखिएगा, इसकी वैलिडिटी होती है जिसने इसको क्रिएट किया, क्रिएटर्स जो हैं उनके पूरे लाइफ टाइम तक और उनके मरने के 70 साल बाद तक इसकी वैलिडिटी रहती है। सो होल लाइफ क्रिएटर के होल लाइफ प्लस 17 ईयर्स आफ्टर डेथ, इनके मरने के 70 साल बाद तक भी इस पे इनका राइट रहता है। अब आ जाइए ट्रेडमार्क क्या होते हैं। तो ट्रेडमार्क्स होते हैं, ट्रेडमार्क्स, ठीक है, तो यानी ये रिप्रेजेंट करता है कोई भी सिंबल, सिंबल, वर्ड, स्लोगन, फ्रेज, ठीक है, कोई भी आपने सिंबल, वर्ड, स्लोगन, फ्रेज ये आपको डेवलप किया है तो उसके लिए ट्रेडमार्क होता है। आप देखते होंगे ट्रेडमार्क सिंबल रहता है TM, SM, R, ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट क्या कहते हैं सिंबल्स है जो कि ट्रेडमार्क होते हैं, उसको ट्रेडमार्क कहा जाता है, या ब्रांड नेम का भी इसको कह सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए कि स्लोगन आपका यूज करता है, ठीक है, ये क्या कहते हैं कोका कोला, कोका कोला कंपनी स्लोगन यूज करती है, टेस्ट द फीलिंग, टेस्ट द फीलिंग, टेस्ट द फीलिंग, फीलिंग, तो ये क्या है इसका कोका कोला का एक ट्रेडमार्क हो गया, दूसरा यूज नहीं कर सकता है। वैसे ही लक्स कोजी, लक्स कोजी क्या कर स्लोगन देती है अभी कि सुनो तो अपने दिल की, सुनो तो अपने दिल की, तो ये उसका ट्रेडमार्क हो गया, आप उसको नहीं यूज कर सकते हैं, ठीक है। उसी तरह जैसे नवरत्न ऑयल जो करता है वो क्या देता है ठंडा ठंडा कूल कूल, तो वो उसका स्लोगन है, आप नहीं यूज यूज कर सकते हैं। और ये जो ट्रेडमार्क होते हैं, आपने कुछ भी नया सिंबल डेवलप किया, ठीक है, स्लोगन डेवलप किया, फ्रेज डेवलप किया, तो उसके लिए ट्रेडमार्क आपको मिलता है जब तक इसका पीरियड, देखिए वैलिडिटी इसकी क्या है, जब तक वो कंपनी ऑर्गेनाइजेशन, जैसे सपोज कोका कोला है, तो जब तक कोका कोला कंपनी है तब तक ये वैलिड रहेगा, ठीक है। तो ये आपको जब तक टिल कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन एग्जिस्ट, जब तक ये कंपनी और ऑर्गेनाइजेशन रहता है तब तक उसका स्लोगन पे उसका ट्रेडमार्क रहेगा। क्लियर। अब आ जाइए प्लांट ब्रीडर्स राइट, प्लांट ब्रीडर्स राइट, तो नाम ही क्लियर है कि प्लांट ब्रीडर्स राइट, ये राइट दिया गया है प्लांट ब्रीडर्स को। सो इट इज द राइट राइट दैट राइट ग्रांटेड
ग्रांटेड टू ब्रीडर्स ऑफ ए न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। सो उस ब्रीडर्स को जिसने प्लांट की न्यू वैरायटी, नए नस्ल का खोज किया है, तो उसको ये राइट मिलता है। सब ये जितने हैं सभी गवर्नमेंट के द्वारा जो दिए जाते हैं, और पर्पस क्या है इसका कि उसके राइट को प्रोटेक्ट करना ताकि दूसरा यूज नहीं कर सके। तो ये सभी में एप्लीकेबल होगा। गवर्नमेंट के द्वारा दिया जाता है, क्यों दिया जाता है कि उसके राइट को एक लिमिटेड पीरियड में जो है वो दूसरा यूज ना कर सके। क्यों दिया जाता है? तो इसलिए ताकि उसने उस पे मान लीजिए इन्वेंशन या क्रिएशन करने में कुछ तो खर्च किए होंगे, ठीक है, तो उनको उसका लाभ मिल सके कि उन्होंने जो उसमें लगाया है वो उनको प्राप्ति हो सके, ठीक है। तो जब ये समय बीत जाता है तब सबका अधिकार हो जाएगा, लेकिन जब तक ये पीरियड है तब तक दूसरा बिना इनके अनुमति के यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। सो दिस इज द राइट ग्रांटेड टू द ब्रीडर्स ऑफ ए न्यू वैरायटी ऑफ प्लांट। जिसने प्लांट की नई नस्ल की खोज की है उसको ये राइट मिल जाता है, और इस राइट की वैलिडिटी होती है आपको 15 to 20 years। अब आ जाइए फार्मर्स राइट। सो इट इज द राइट गिवन टू फार्मर्स टू प्रोड्यूस यूज सेव एक्सचेंज या सेल दियर फार्म प्रोड्यूस और सीड्स ऑफ लाइसेंस्ड वैरायटी। और सीधा इतना ही रहने दीजिए। तो देखिए फार्मर्स राइट क्या है। फार्मर्स राइट है, इट इज द राइट गिवन टू द फार्मर्स। फार्मर्स को ये राइट दिया गया है कि वो प्रोड्यूस यूज सेव एक्सचेंज और सेल दियर फार्म प्रोड्यूस एंड सीड्स ऑफ न्यू वैरायटी। तो फार्मर को ये राइट दिया गया है कि उनके फार्म से जो भी प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, या वो डेवलप कर सकते हैं, और उस सीड को या प्रोडक्ट को जो है उस पे उनका अधिकार होगा कि उसको वो यूज करें, सेव करें, एक्सचेंज करें या सेल करें। उस पे उनके फार्म प्रोडक्ट पे उनका अधिकार है कि वो जो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये इनकरेज करता है फार्मर को टू डेवलप द न्यू वैरायटी ऑफ द सीड्स, ठीक है। सो इट इनकरेजेस द फार्मर्स टू डेवलप न्यू वैरायटी ऑफ। तो ये हो गए फार्मर्स राइट। बायोप्रोस्पेक्टिंग। तो बायोप्रोस्पेक्टिंग क्या है? सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड commercialization of new products based on
बायोलॉजिकल रिसोर्सेस, रिसोर्सेस। तो बायो प्रोस्पेक्टिंग क्या है? इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड कॉमर्शियलाइजेशन, खोजना और कॉमर्शियलाइजेशन मीन्स मार्केटिंग करना ऑफ न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल रिसोर्सेस। बायोलॉजी जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेस है, जैसे कि सपोज प्लांट मटेरियल है, तो उससे न्यू प्रोडक्ट या न्यू ड्रग की डिस्कवरी करना और कॉमर्शियलाइजेशन करना, इसी को बायो प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। ठीक है, सो इट इज द प्रोसेस ऑफ डिस्कवरी एंड कॉमर्शियलाइजेशन ऑफ न्यू प्रोडक्ट बेस्ड ऑन बायोलॉजिकल मटेरियल, सपोज प्लांट। उसके बाद आ जाइए बायो पायरेसी क्या है। बायो पायरेसी, तो बायो पायरेसी को हम लोग बायोलॉजिकल बायोलॉजिकल थेफ्ट भी बोलते हैं, कि चोरी। पायरेसी, पायरेसी माने होता है डाकू, डाकू। और बायो मीन्स लिविंग मटेरियल, यानी कि बायोलॉजिकल मटेरियल का चोरी करना ही बायो पायरेसी होता है। सो इसका डेफिनेशन क्या होगा? इट इज द अनइथिकल, अनइथिकल या आप कहिए अनऑथराइज्ड, अनऑथराइज्ड। इट इज द अनइथिकल और अनऑथराइज्ड यूज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल, मटेरियल ब्रैकेट में प्लांट, मेडिसिनल प्लांट, बायोलॉजिकल मटेरियल बाय इंटरनेशनल कंपनी, कंपनी टू डेवलप न्यू ड्रग विद पेइंग एनी मनी टू द कंट्री फ्रॉम व्हिच प्लांट इज टेकन। तो ध्यान दीजिएगा, बायो पायरेसी तो क्या हुआ? ये चोरी है बायोलॉजिकल मटेरियल, यानी प्लांट की चोरी, एक तरह से समझिए, उसको हम लोग कहते हैं बायो पायरेसी। होता क्या है कि मल्टीनेशनल जो कंपनी है, इंटरनेशनल कंपनी, वो क्या करते हैं, जो अमीर देश से रहते हैं वो गरीब देश में, डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, और वहां का जो रिसोर्सेस है बायोलॉजिकल मटेरियल, तो वहां से प्लांट को वो अपने देश में ले जाते हैं। ध्यान दीजिएगा, डेवलप्ड कंट्री की जो इंटरनेशनल कंपनी है वो अपने देश से दूसरे गरीब डेवलपिंग कंट्री में आते हैं, और यहाँ से प्लांट मटेरियल को अपने देश में ले जाके वहां उससे वो नया ड्रग बनाते हैं। ठीक है, तो प्लांट किसका है? इस देश का है ना, तो जिससे लिए उसको, तो उसको पैसा देना चाहिए ना, कंपेंसेशन देना चाहिए ना। उसको पैसा भी नहीं देते, फ्री में लेके जाके ड्रग बना के उसका यूज करते हैं, उसी को कहता है बायो पायरेसी। सो बायो पायरेसी इज एन अनइथिकल, अनैतिक, अनऑथराइज, बिना परमिशन का। तो अनइथिकल या अनऑथराइज यूज ऑफ बायोलॉजिकल मटेरियल सच एज मेडिसिनल प्लांट बाय किसके द्वारा? इंटरनेशनल कंपनी के द्वारा, टू डेवलप न्यू ड्रग, वो न्यू डेवलप विदाउट पेइंग एनी मनी, बिना कोई मनी दिए हुए, जिस कंट्री से उन्होंने प्लांट लिया है उस कंट्री को बिना कोई कंपेंसेशन या मनी दिए हुए वो प्लांट ले जाते हैं, और उससे नया ड्रग बना के अपने यहाँ और बिजनेस करते हैं, यानी कमा तो है किसी का, खाता कोई और है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? बायो पायरेसी। ओके, चलिए, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे हर्बल स्टेबिलिटी।